भाई वो फुल डाउन पर देखेंगे, बस फिर उठा लियो थोड़ा सा। हाँ फुल डाउन पर दिखा दो, ये देखो भाइयों क्या शानदार तरीके से वर्क कर रहा है। सरास 744 एफी। नमस्कार किसान साथियों, भाइयों आज की वीडियो में स्वराज 744 एफी की परफॉर्मेंस देखेंगे और भाइयों इस ट्रैक्टर के बारे में किसान साथी से भी पूछेंगे कि कब खरीदा है ट्रैक्टर और इनके पास कैसा काम कर रहा है। भाइयों स्वराज के ट्रैक्टर भी काफ़ी शानदार होते हैं और ये ट्रैक्टर तो काफ़ी दमदार है, मार्केट में बहुत तगड़ी पकड़ बनाए हुए है। भाइयों इस ट्रैक्टर के बारे में पूरी पूरी जानकारी लेंगे। भाइयों अभी मैंने पीछे एक आइसर 548 की वीडियो डाली थी, वो भी भाई 48 हॉर्स पावर ट्रैक्टर था, उस पर मैंने 9 फाली का टेलर पे परफॉर्मेंस दिखाई थी दोनों लीवर डाल के। भाइयों वो ट्रैक्टर कहीं ना कहीं आरपीएम तो नहीं तोड़ रहा था लेकिन स्लिपेज की दिक्कत दे रहा था। भाइयों इस ट्रैक्टर पर भी थोड़ी सी परफॉर्मेंस देखेंगे कि ये ट्रैक्टर कैसा काम करता है, क्योंकि भाइयों ये भी 48 एचपी ट्रैक्टर है, 3136 सीसी इंजन के साथ आता है, 3 सिलेंडर इंजन ट्रैक्टर है और स्वराज का काफ़ी दमदार ट्रैक्टर है भाइयों ये, और मार्केट में भी काफ़ी शानदार पकड़ बनाए हुए है। भाइयों वैसे तो ट्रैक्टर काफ़ी मस्ती में चल रहा है और किसान साथी ने खूब ठीक ढंग से कल्टीवेटर लगा रखा है, देख लो आप देख सकते हो काफ़ी गहराई में जुताई कर रहे हैं और ट्रैक्टर भी कोई दब नहीं रहा, आरपीएम नहीं तोड़ रहा, काफ़ी बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। भाइयों ज़्यादा गहरी जुताई करनी भी ठीक नहीं है क्योंकि ज़्यादा गहरी जुताई से भी कहीं ना कहीं खेत में फिर दिक्कत आती है। भाइयों पूछेंगे इस ट्रैक्टर के बारे में किसान साथी से, अब की बार फेरा लाएंगे तब बात करेंगे इनसे कैसा काम करता है ट्रैक्टर। भाइयों ज़्यादातर किसान साथी स्वराज का ट्रैक्टर रखना पसंद करते हैं और रखने की खास वजह ये भी है कि स्वराज के ट्रैक्टर काफ़ी दमदार होते हैं, बस सिर्फ एक कमी मान लो या कुछ भी मान लो, भाइयों स्वराज के ट्रैक्टर कहीं ना कहीं और ट्रैक्टरों के अपेक्षा थोड़ा बहुत डीजल कंजप्शन ज़्यादा करते हैं, थोड़ी बहुत डीजल खपत ज़्यादा करते हैं, वैसे किसी भी कार्य में दबते नहीं हैं, काफ़ी शानदार तरीके से वर्क करते हैं, दमदार ट्रैक्टर होते हैं भाइयों, और ये ट्रैक्टर तो काफ़ी दमदार है स्वराज का, 744 एफी है। भाइयों इसमें ही एक एक्सटी मॉडल आता है, वो ट्रैक्टर 52 हॉर्स पावर में है, वो 3478 सीसी के साथ है, ये 3136 सीसी के साथ आता है। तो भाइयों पूछेंगे किसान साथी से इस ट्रैक्टर के बारे में। बंद कर लो एक मिनट, हमारे साथ किसान साथी। नमस्कार भैया, भैया थोड़ा अपना नाम पता बता दीजिए। नाम है राजू। राजू कब खरीदा भैया ट्रैक्टर? लगभग 3-4 महीना हो गए। 3-4 महीना पहले? पुराना नया? 750 हो गए। अच्छा 750। कैसा काम करे? काम मस्त करे, मस्त करे, बेहतरीन एकदम। दम तो ना तोड़ता? नहीं बिल्कुल दम तोड़ता, 3 ट्रैक्टर फोर्ड सोनाली का। अच्छा 3 ट्रैक्टर हैं तुम्हारे पास, फोर्ड कौन सा है? 3600 उसकी टक्कर ले ले। हाँ बढ़िया कुल मिलाकर मस्त काम करता है। अच्छा, सोनाली का कौन सा है? 45। अब वो भी इसी कैटेगरी का ही है। हाँ जी का। तो तीनों में कौन सा बढ़िया काम कर रहे हैं? ये ज़्यादा बढ़िया। अच्छा ये बढ़िया ड्राइविंग बढ़िया लगी रोड पे। अच्छा रोला पे जो सिंचाई बढ़िया लगी मुझे। ट्रोला पे जैसे चलाओ उठे उठे तो ना उठ गए जो जोर लगा पे तो ना ज़्यादा तो जंप ना करे। बेहतरीन ट्रैक्टर एकदम सुपर ट्रैक्टर। अच्छा अच्छा तो भाई साहब एक फेरा ना थोड़ा सा लीवर डाउन करके एक फेरा दिखाइयो। भाई लीवर डाउन करके देखेंगे। हाँ दिखाओ, क्योंकि हमने पीछे अभी आइसर 548 की वीडियो बनाई तो उस ट्रैक्टर में स्लिपेज की समस्या बहुत करी, तो ना इसके उसके टायर थोड़े कम थे, इसके टायर ठीक ठाक हैं अभी फिलहाल देख रहा हूँ मैं, तो एक चक्कर लगा के दिखाओ, लीवर थोड़े से डाउन कर दियो भाइयों देखेंगे। देखो भाइयों थोड़े से और डाउन करो। भाइयों बढ़िया खिंचाई कर रहा है ट्रैक्टर, कोई आरपीएम ड्रॉप नहीं कर रहा, दम नहीं तोड़ रहा, काफ़ी शानदार।
भाइयों अब के फिर आप है ना, अभी किसान साथी ने थोड़े कम लीवर डाउन करे हैं, देखेंगे थोड़े से और लीवर डाउन करा के देखेंगे क्या परफॉर्मेंस दिखाता है। अब की बार भाइयों देखते हैं। वैसे भाइयों मुझे लगता है कि ट्रैक्टर कहीं भी नहीं दबेगा, काफ़ी शानदार है, और स्वराज के तो ट्रैक्टर वैसे भी काफ़ी शानदार होते हैं। बढ़िया जुताई कर रहे हैं भाइयों, गहराई में चला रहे हैं टेलर को। ये देखो भाइयों, हाँ और डाउन मारियो, और डाउन मारियो, थोड़ा सा इतना सा फुल डाउन करके चला के दिखा दो बस भाइयों, फुल डाउन पर देखेंगे बस, फिर उठा लियो थोड़ा सा, हाँ फुल डाउन पर दिखा दो। ये देखो भाइयों क्या शानदार तरीके से वर्क कर रहा है, स्वराज 744 FE। भाइयों ना तो RPM ड्रॉप की ट्रैक्टर ने, ना ही स्लीपेज की समस्या आ रही, काफी शानदार तरीके से दम दिखा रहा है, काफी बढ़िया। भाइयों इसीलिए कहता हूँ स्वराज के ट्रैक्टर क्यों दमदार होते हैं, बेशक डीजल खपत ज़्यादा करते हैं लेकिन काफ़ी दमदार होते हैं। भाइयों जुताई की गहराई भी देख लो आप, ये मैं दिखा दूँ, ये देखो भाइयों कितनी गहराई में चला गया, ये मेरा हाथ है, यहाँ से देख सकते हो लगभग 10-11 इंच तक की जुताई गहराई में कर रहा है भाइयों, काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस दिखाई ट्रैक्टर ने, कोई स्लीपेज नहीं की, कोई दम नहीं तोड़ा, कोई RPM नहीं तोड़ी, कोई घुटन महसूस नहीं हुई ट्रैक्टर में, काफ़ी शानदार। तो भाइयों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना, शेयर कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।